गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बने हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका टेक्सचर अंदर से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहीन सैयद, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड गुलाब जामुन। बहुत ही इजी, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी। बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमने यूज नहीं किए हैं इसमें। इसे बनाने के लिए 7 to 8 ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिया है, दूध हमने लिया है जितना रिक्वायर्ड होगा उसका डो बनाने के लिए उतना हम यूज करेंगे, 3 से 4 इलायची ले लें आप और 1 कप शुगर मैंने लिया है। इसे रिच बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा खोया या मिल्क पाउडर ऐड भी कर सकते हैं, या तो दूध को थोड़ा सा रिड्यूस करके गाढ़ा दूध आप ऐड कर लें तो इससे भी बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। आज मैंने सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, उस पर क्लिक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड गुलाब जामुन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस की जो किनारी होती है उसे हम बिल्कुल कट कर लेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो बेटर यही है कि आप इसे स्किप कर ले। आप इसको धूप में थोड़ा सा सुखा कर या पैन में थोड़ा सा रोस्ट करके इसे पाउडर करके आप इसे यूज कर सकते हैं एज ब्रेड क्रम्स कबाब बनाने के लिए या कोई भी कटलेट बनाने के लिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। इन सारे ब्रेड स्लाइसेस को मैंने यहां पर बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। इसे अच्छी तरह से आप छोटा छोटा तोड़ लें। उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं बस उसी तरीके से इसे हमें गूंदना है। बस इतना ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मिल्क एक साथ ना ऐड कर दें, वरना इसका जो बैटर है वो बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा और फिर आपको इसे शेप करने में दिक्कत होगी गुलाब जामुन जैसे। यहां पर हम आटे को अच्छी तरह मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। मेक श्योर करें कि ब्रेड के कोई लम्स नहीं रह जाए इसमें, बस अच्छी तरह से इसे मसल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ढककर साइड में रख देती हूँ 8 से 10 मिनट के लिए, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर पतीले में हम 1 कप ऑफ शुगर ऐड कर देंगे, इसमें हम 1 कप ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। ये जो इलायची के दाने हैं इसे भी मैं खोलकर इसमें ऐड कर देती हूँ सारा। इसे अच्छी तरह से हमें बॉईल कर लेना है। एक बॉईल आने के बाद हम इसे स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और हमारा जो चाशनी है वो रेडी हो जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं शुगर सिरप में बॉईल आ चुका है। अब हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे 3 से 4 मिनट हम इसी तरह अच्छी तरह कुक कर लेंगे, उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। यहां पर हमारा डो भी रेडी हो चुका है। हाथों पर थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे ताकि ये स्टिक नहीं हो। थोड़ा सा बॉल आप स्कूप आउट कर लें जितने भी साइज का आपको बनाना है। इसे थोड़ा सा मसल लें हाथों के बीच और हमारा गुलाब जामुन इस तरह से रेडी हो जाएगा। इस पर कोई क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लें ताकि हाथों को स्टिक ना हो। थोड़ा सा इसमें से हम बैटर जो है वो स्कूप आउट करेंगे डो को, सॉरी, और इसको इस तरह से आप प्रेस करते हुए थोड़ा सा चिकना कर लें ताकि इसकी किनारी जो है वो फटे नहीं। और ये देखिए बहुत बढ़िया जो है गुलाब जामुन वो रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन जो है वो रेडी कर लेंगे यूनिफॉर्म साइज के। इसे मसल लें, याद रखिए इसे मसलना बहुत जरूरी है। आप अगर मसल लेंगे इसे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा इसे। ये देखिए थोड़ा सा घी लगाने से टेस्ट भी एनहांस होगा इसका, तो थोड़ा थोड़ा घी लगाते रहे और इस तरह से इसे रोल आउट करके इस तरह से गुलाब जामुन को तैयार कर ले। बहुत इजी तरीके से बिल्कुल बन जाता है ये, इसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको। यहां पर हमारा तेल मीडियम गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म तेल में न तले। अगर आपको बहुत रिच चाहिए तो आप घी में भी इसे तल सकते हैं। हम एक एक करके इसमें गुलाब जामुन ऐड करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं धीरे धीरे बबल हो रहा है, बहुत ज्यादा ना ऐड कर दें। इसे 2 बैचेस में मैं तलूंगी। थोड़ा सा गैस को हम मीडियम कर देंगे और इसे धीरे धीरे चलाते हुए ही हमें कुक कर लेना है। बहुत ज्यादा इस पर स्पून न लगाए ताकि ये फटे नहीं। बस इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि इवन ब्राउनिंग हो जाए इसमें, हर तरफ से ये अच्छी तरह से सिक जाए। ये अभी इसका जो ऊपर का कवरिंग है ये थोड़ा सा फॉर्म हो चुका है तो ये स्प्रेड नहीं होगा। तो आप इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलाते हुए हल्का हल्का गोल्डन कर लें। गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं जैसे आप देख सकते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। ये सारा जो गुलाब जामुन हमने बनाया है ये हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ चुका है, ये तेजी से उबल रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम इसी तरह थोड़ी देर रखे रहने देंगे। इसमें ये अपने आप ही फूलकर अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसे रखे रहने दिया था कवर करके। ये देखिए कितने बढ़िया जो है हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे मैंने गार्निश कर दिया है थोड़े से पिस्ताशियो नट्स के साथ। आप इसे चिल करके भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपीज को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।